दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ क्षेत्र के अंदर और तमाम जानकारियों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल चल रहा है। यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बाबा साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। हम इधर की तरफ देखते हैं तो इधर की तरफ रेलवे फाटक है और भाई फाटक के पास ही ये चौपाल लगी हुई है। बाबा नमस्कार, क्या नाम है बाबा? विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ जी। विजय सिंह जी, अब की बार विजय पताका किसको पहनाओगे? बीजेपी कमल का फूल। कमल का फूल? हाँ जी। कारण? कारण ये सब बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा। और ये नया छोरा है, पहले जुबेर सही था लेकिन ये नया छोरा, इसका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए बीजेपी का बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, ये निकल सकता है इसको। सुखवंत जी? सुखवंत। तो आप सुखवंत जी को वोट देना चाहेंगे? हाँ जी। सुखवंत जी में ऐसी क्या खासियत है जी? बढ़िया आदमी, हमारा क्षेत्रीय आदमी है। क्षेत्रीय आदमी है, फिर भी आपने पिछली बार इनको क्यों हरा दिया? पिछली बार सर निर्दल लड़ा था दूसरी पार्टी से। अच्छा। बीजेपी के जो आदमी थे जी, उसने पहले सर दो बार यहाँ MLA रह चुका। अच्छा। लेकिन उसने गांव भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा। इसलिए वो कैंडिडेट बेकार था, इसलिए सुखवंत जी जो दूसरा उसमें लड़े थे उसको जनता ने वोट दिया। को थोड़ी कमी छोड़ी है। हम बात करें बाबा यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की है जी, मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें आपके इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आप सुखविंदर जी से करवाना चाहेंगे? यहाँ एक तो पुल की है, अभी तक ये पुल किसी को नहीं बना। अच्छा, सबसे पहली तो आप सुखवंत जी से जो ये पुल बनवाना चाहेंगे? हाँ जी। और बाकी और विकास के बारे में, कहीं सड़क है, बाकी जो काम रुक रहा है, एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, बहुत कम हॉस्पिटल में देखभाल नहीं होती है। अच्छा। तो सरकार है, सरकार का बदलाव से अगर सुखवंत जी MLA बन जाए तो हमारे क्षेत्र काम हो जाए। बाबा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विपरीत स्थितियाँ हो जाए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सदा से ये इतिहास रहा है। इतिहास है, कुछ नहीं होगा। अब की बार नहीं होना? अब की बार नहीं होगा। ये वो आने एक बार मैं आपको बताऊँ, MLA साहब हमारे ज्ञान जो जी रहे। अच्छा। और यहाँ सरकार भी रही है BJP जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ जो एंटी पार्टी का बैठे जो भी आदमी सही था और कुछ परसेंटेज जुबेर का नाव से वोट नहीं। कहीं बाबा तीसरा ही तो कोई हाथ नहीं मारेगा? अरे बाबा तीसरा के लिस्ट में भी नाम ना है, लिस्ट में भी नहीं है? नहीं है। लेकिन वो तो वो कितने खड़ा हो जाए, यहाँ 3,000 से 4,000 फालतू वोट नहीं है। अब की बार तीसरा। यहाँ पर और भी मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ की अब की बार जनता का क्या कहता है। मानस नमस्कार साहब, क्या नाम है? रसूलो कहे भाई, रसूल खान। रसूला खान या रसगुल्ला खान? रसूल खान। रसूला खान। खान साहब, अब की बार खान साहबों का रुझान किस तरफ जाएगा? भाई हम तो कांग्रेस को देंगे वोट, हम ना जाने कैंडिडेट, हम तो पार्टी जाने, पार्टी हारे सब जीते कांग्रेस को वोट देना, बस ये मकसद। और कोई नहीं? क्या आपका कोई मुद्दा नहीं रहने वाला? ना ना ना, कोई मुद्दा ना है। कांग्रेस सरकार है कौन की, कोई की ना है, तो जीत के जूत दे के ही भग जाए, अपने बैठा बगलान में। ये कौन की पूछ है? ये दो दो घंटा ये जाम ना खूटे, इन्हें मुल्क दिन होगा। कांग्रेस से भी BJP भी कौन सारे पुल बना दिया है, जो दिन ने दिन टकराती है इन रोड पे, पुल ही ना बना इनसे, अब तक कौन से निहाल करेंगे ये? तो भाई हमारा कहना तो ये, हम तो देंगे कांग्रेस को, जो कुछ भी करो कुछ भी मत। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है खान साहब, आप BJP से ज्यादा खफा है। ना ना ना, BJP हमारा कुछ ना करे बेचारी, BJP कहा करे हमारा, लेकिन ये तो लगाव है अपना अपना, अपना अपना लगाव है भाई। ठीक है, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे और कांग्रेस को देता रहेगा, हारे या जीते, हारे या जीते, हमारा मकसद तो ये। आपको तो घूटी पिला रखी है बाबा साहब, क्या नाम है अपना? अरे मेरा नाम गोरते आलमो को ना छाल हो। कोई बात नहीं, छाले भी सही हो जाएंगे। जन्म घूटी देने आए हैं हम। क्या कुछ कहता है अब की बात चुनावी माहौल? आई का बात बताने ये तो सिर से हो रही है ना, बरसात हो गई है ना, अब दोबारा 20-11 तक खेल गया रहा, अब वो जो भाड़ कलंड लूटना पड़ रहा, हमने कहा हम वोट की करें तो वहाँ को रो हम। अच्छा, बारिश नहीं हो रही? हा? बारिश नहीं हो रही इस वजह से? बरसात हो गई कुछ सिर से। अच्छा, कल हो जाए जब भी दिक्कत है, वो ना हो जब भी दिक्कत है।
अच्छा, हम यहाँ पर आपके इस रामगढ़ क्षेत्र में हम बात करें पानी की, पानी कितना नीचे है, कितना कुछ क्या स्थिति है बताइए पानी की, किसानों के लिए आप किसान है, किसानों के लिए पानी की क्या स्थिति है बताइए। अरे मैं 3 बोर कर लिए, एक को पानी ना दो यार। तो क्या आप ये वाला मुद्दा नहीं उठाएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे तब कौन? अरे वो बोर काट देंगे हम लोग, वो हमारा ही बोर काट देंगे, वो आपका ही बोर काट देंगे। हाँ हमारा ही काट देंगे वो। चलिए, और भी बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या कुछ कहता है माहौल। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है अपना? विजय सिंह। विजय सिंह जी, विजय सिंह जी से तो बात कर ली है, आप बताइए क्या नाम है? राम जीवन प्रजापत। प्रजापत जी हैं, प्रजापत जी क्या कुछ माहौल कहता है आपके? माहौल ये कहता, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमको पानी विकास चाहिए, रुपारे नदी है ना ये, कोई बात इसमें पानी आना चाहिए। कनेक्शन की फंसी पड़ी है ना? अच्छा, कनेक्शन की फटी पड़ी है। आज सत्यागन जाऊँ तो सब जनों के कहाँ से आया, कौन है तू, है ना? तो कौन कौन जाऊँ? अरे भाई तुमने एक मुख बोर किया है भाई, कौन की खेल में हाड़ में खेल गाड़ी तो थोड़ी अभी तो बाहर के कौन तू है? वो क्या मत हो भाई, बस हाल लेन जोड़ो करा ढोल काई के वकील सब ऐसे कहे। हमको तो विकास चाहिए। जी प्रजापति जी क्या कहना चाहेंगे? हमको सिर्फ विकास चाहिए रामगढ़ क्षेत्र में, जैसे ये पानी की वो है नदी है इधर रूपारेल नदी, उसमें पानी आना चाहिए इधर, और ये फाटक है इस पे वो पुल बनना चाहिए इधर। फाटक से क्या परेशानी है? फाटक से ये परेशानी है, कोई जाम लग जाता है इधर भी एक एक किलोमीटर का, और जैसे कोई और होती है परेशानी इधर, मरीज जाते जैसे एम्बुलेंस आती है एमरजेंसी के लिए और फाटक लग जाता है। यानी कि दो काम कराना चाहेंगे, एक जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है और दूसरा जो यहाँ पर पुलिया बनना चाहिए। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो फाटक है, इस फाटक पर जब जाम लग जाता है, भाई साहब कह रहे हैं कि भैया कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो बेचारे वेट ही करते रहते हैं। यहाँ पर और भी लोग मेरे साथ में मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए सर। नाम बता देना है। पवन जी है। अब के बाद किधर की तरफ पवन चलाएंगे? विधानसभा की चुनाव है। बीजेपी। बीजेपी। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है बाबा? मेरा नाम श्रवण है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जी क्या कुछ माहौल कहता है अब की बात? आज ये भ्रष्ट सरकार है ये जानी चाहिए। खैर इसके एक उपचुनाव से तो खैर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसी सरकार ने कमी देखी नहीं है। हमारे भाई तो 5-5-6 महीनों की पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या सरकार चलाएंगे? ये 5-6 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई? नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या सरकार चलाएंगे? भ्रष्ट सरकार। ये तुम्हारे ये राशन का कार्ड किट बांटते थे सारी, वो बंद कर दी। फिंगर लगाओ, फिंगर नहीं आते, अनाज बंद, यानी कि मरे हो कोई, इसने जिंदा ही मार दिया, जो जिंदा आदमी उनको मार दिया इसने। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने और किसने? अच्छा, किस तरह? और बताइए और क्या परेशानी? ये परेशानी कम है क्या? राशन बंद हो गया हमारा, तो इससे ज्यादा और क्या परेशानी है? तो आप ई मित्र वगैरह पे गए थे क्या कुछ? ई मित्र क्या, कहाँ पहुँच गए? फिंगर नहीं आते भाई, तो मर गए, जिंदे को मार गिराया इसने, इस गवर्नमेंट ने। फिंगर नहीं आया, फिंगर आएंगे तो अनाज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कौन सा सीसी कौन सा वे चला है ना, वो अनिवार्य है। तो अब आप मगर कहेंगे फिंगर लगा जब अनाज मिले वो सीसी कौन सा वह चलायो? अच्छा बाबा एक बात बताइए, अब आपको ना तो पेंशन मिलती है ना ही अनाज मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बुजुर्ग किस तरह से परेशान है। लेकिन हम बात करें विधानसभा चुनाव की, किसको वोट देना चाहेंगे? तो आप कांग्रेस है, कांग्रेस को दोगे आप? चलिएगा, और भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भाई साहब मौजूद है, मोटर सुधार रहे हैं भाई। क्या नाम है भैया? क्या नाम? विनोद कुमार। विनोद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अब की बार, किसकी तरफ पलटा होगा भाई? कांग्रेस ही हैं आप, कारण भी बता दीजिए कांग्रेस में किस वजह से हैं? कौन सी नीतियाँ हैं जो अच्छी लगती है, और मोदी जी की कौन सी नीतियाँ हैं जो आपको बेकार लगती है? देखो पिछली बार मैंने सुपन जी को दिया था जी, है ना, और वैसे तो हमारी पार्टी कांग्रेस की, हम मन को पर है किसी को बता। लेकिन अभी तो 13 तारीख नजदीक है, क्या कहता है मन? कांग्रेस ही कहता है। कांग्रेस को ही दोगे?
आपका वोट बन गया। कितने साल के हो गए आप? 26 साल हो गए। 26 साल के हो गए। कितनी बार वोटिंग कर चुके हो आप? मैंने तो गल्ला भर दी थी। गल्ला भर मतलब समझा नहीं मैं, गल्ला भर का मतलब क्या? 4-5 बार डाल दी। 4-5 बार। लेकिन अब की बार आपका मानस क्या कहता है? बीजेपी, बीजेपी को दो। ये कांग्रेस को दे रहे हैं आप, बीजेपी को दे रहे हो क्या? बीजेपी को वाड़ी क्या अच्छी? कांग्रेस से क्यों खपाए हैं आप? हम बीजेपी को डाले, बीजेपी के जो अच्छे काम है वो भी बढ़िया काम करेगी। अच्छी बीजेपी, अच्छी पार्टी है, बढ़िया काम करे। और मोदी देश है, कहां से कहां ले आए। अच्छा, मोदी जी के विचारों से आप प्रभावित हैं। हम बात करें इस रामगढ़ क्षेत्र की, तो क्या कुछ काम करवाना चाहेंगे रामगढ़ में? ये तो बड़ी अस्पताल होनी चाहिए। अच्छा, और बेनती है ये पहले क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है और काफी आधा आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम नहीं खुल पाता। अच्छा, तो कोई इमरजेंसी केस होता है तो वो भी अटक जाते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं है? ये बिल्कुल यहाँ पर आपका कोई पानी वानी का कोई? पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पानी नहीं आता, 1-2 दिन छोड़ कर आता है। अब ये चुनाव के समय पर बड़े बड़े नेता आएंगे, क्या आप ये वाली डिमांड नहीं रखेंगे? इनकी पूर्ति कोई ना करे, इनकी पूर्ति कोई नहीं कर रहे। तो दोस्तों, मैं रामगढ़ क्षेत्र के अंदर आया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रेलवे फाटक लग जाते हैं और आम जन को यहाँ पर कितनी परेशानी होती है। तो तमाम जानकारियों से मैंने आपको यहाँ से रूबरू करा दिया। क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।